हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना फ्रेंड। फ्रेंड, प्रभास की आदि पुरुष का रिलीज डेट अनाउंसमेंट हो गया है फ्रेंड। इसे अब 16 जून 2023 को थिएटर में रिलीज़ किया जाएगा। मेकर्स ने बताया कि फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन पर काम किया जा रहा है। वे एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं जिसे पूरा इंडिया को उन पर गर्व हो, इसलिए उन्होंने रिलीज डेट को 12 जनवरी से बढ़ाकर 16 जून कर दिया है। फ्रेंड, आपको पता है जून में किसकी फिल्म रिलीज होने वाली है। जून में आदि पुरुष की टक्कर शाहरुख खान और एटली की फिल्म जवान से होने वाली है फ्रेंड, जिसकी रिलीज डेट 2 जून है। अब दोनों फिल्मों में से दर्शकों का अट्रैक्शन और प्यार किससे ज़्यादा मिलेगा, ये तो अगले साल ही पता चलेगा फ्रेंड। तो चलते हैं और एक ब्रेकिंग न्यूज़ सुनते हैं। नेटफ्लिक्स ने साउथ की क्लिप शेयर करके नेटफ्लिक्स की फजीहत हो गई, इसके बारे में जानेंगे। प्रभास की फिल्म साउ 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी में उनके साथ श्रद्धा कपूर भी थी। नेटफ्लिक्स इंडोनेशिया ने ट्विटर पर फिल्म का एक सीन शेयर किया है, जिनके बाद से नेटफ्लिक्स की फजीहत हो रही है। लोग नेटफ्लिक्स को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। दरअसल नेटफ्लिक्स इंडोनेशिया ने जो सीन शेयर किया है उसमें प्रभास पहाड़ी से पहले अपना पैराशूट फेंकते हैं, फिर खुद जाते हैं। इस शेयर करते हुए नेटफ्लिक्स ने कैप्शन भी डाला है, एक कैसा एक्शन है। इसी कैप्शन पर जनता भड़क गई है। एक बंदे ने लिखा, ट्विटर पर अनसब्सक्राइबर, नेटफ्लिक्स ट्रेंड देखकर लग रहा है कि जल्द ही किसी की नौकरी जाने वाली है। एक और शख्स ने लिखा, प्रभास जैसे बड़े स्टार को जिनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है उन्हें ट्रोल करना अच्छा आइडिया नहीं है। इतने बड़े स्टार की फिल्म खरीदने के बाद उन्हें ट्रोल करना सही नहीं है नेटफ्लिक्स। एक और ने लिखा, बस हुआ नेटफ्लिक्स प्रभास इंडिया के ग्रेट पर्सनैलिटी में से एक है, आपने हम पर अटैक किया है, आप और बर्दाश्त नहीं करेंगे।